वेलकम टू अ चैनल हॉन्डा स्ट्रीम। हॉन्डा स्ट्रीम में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग वीडियो बनाए जा रहे हैं वो एक डोनट के बारे में बनाए जा रहे हैं। वो डोनट की लकी बनानी है और भी लकी फर्स्ट टाइम बनानी है। डोनट कैसा होता है, उसमें इंग्रीडियंट क्या क्या यूज है, वो सब हम आपको बताएंगे। आप वीडियो को बना लें और अगर आपके चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो। और ये हम लोग आ चुके हैं, यानी जो है हम लोग डोनट कैसे बनाते हैं वो दिखेंगे। वो देखने के लिए आपको बताने कि क्या क्या लगता है। पहले 2 टीस्पून हम लोग लेंगे, 2 कप ले लेंगे ये मैदा, और 2 स्पून ले लेंगे हम लोग यानी बटर, और जो है शक्कर ले लेंगे पीसा हुआ शक्कर 2 स्पून, और तो कितना ले लेंगे बेटा, हाफ कप। और ये जो है ये क्या है, बेकिंग सोडा, नमक 1 चुटकी, और ये जो है ये क्या है, बेकिंग पाउडर, ये विनेगर है, ये भी एक छोटी सी प्याल लेना है, और ये दूध लेना है 1/2 कप, और पानी लेना है ये 1/2 ग्लास। ये सारी चीज़ें लेना है, ये सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे हम लोग इसके अंदर। मिक्स करने के बाद हम लोग देखेंगे क्या है। मिक्स कर दो। ओहो, ये मिक्स करके भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये आप देख सकते हो सारी चीज़ें जो मिक्स होती है इसके अंदर। ये भी मिक्स हो गया, ये भी मिक्स हो गया, और नमक और भी कम लेना है। तू जो हमने लिए थे वो मिक्स कर दे रहे इसके अंदर, विनेगर भी मिक्स कर दे रहे, और ये जो है मिक्स करने के बाद उसको हम लोग थोड़ा सा और इन्हें मिक्स कर देंगे हाथ से। ये हम लोग आपको डोनट्स बनाना बता रहे, वो भी बिना बेकर्स के, यानी वो कैसे बनता है स्टोपी वो आपको दिखा देंगे। तो अभी हम लोग ये मिला लें, मिलाने के बाद देखते कि मिलाने के बाद कैसा लगता है। मिलाने के बाद ही आपको वीडियो में दोबारा से हम लोग राधी करेंगे, एग्री करेंगे, दोबारा से बुलाएंगे, और तब तक के लिए वीडियो बनने लगे। धन्यवाद। 5 मिनट गुनने के बाद हम लोग का ये एकदम आटा बन गया, और अभी इसके अंदर मिला जा रहे बटर जो है मिला देंगे, बटर मिलाने के बाद क्या करेंगे, बटर मिलाने के बाद ये आटे को जो है 1-2 घंटे के लिए रख देना है, ताकि वो अच्छी तरह से महीने रह जाए और पकने लायक हो जाए। तो 1 घंटे बाद मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए हमारे वीडियो पे बने रहे। और ये जो हमने रखा था आटे को, उसको ये पूरी तरह से वो रेडी हो चुका है 1 घंटे रखने के बाद। तो हम लोग यानी इसको शेप देंगे कोई भी, और शेप देने के बाद ही आपको बताएंगे इसके शेप दिए, ये शेप दिए। अभी ये हमारा तेल जो है गर्म हो चुका है, तो उसके अंदर डोनट भी डाल देंगे। आप देखते हो कितना चम्मच पर रख रहे हैं, और ये जो है डोनट जो है तेल के अंदर चला गया। तो इसके अंदर डाल लें, अभी तीसरा भी डाल लें, पहले उसको सही से शेप में कर देना है आपको, और उसके बाद डालना है। अगर शेप में नहीं है, अगर आप कुछ और शेप देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो,
लेकिन ये शेप डोनट के लिए ज़्यादा बेटर होता है और ज़्यादा डोनट जैसा दिखता है। फ्राई होने के बाद जो देखिए फ्राई होने के बाद ऐसा दिखता है और यानी डोनट आता तो तैयार हो गया मेरा। हमारा जो हमारी लड़की बना रही है वो और भी डोनट डाल दिए उसके अंदर फ्राई पैन के अंदर ताकि और भी यानी उसके अंदर बनता रहे। तो दिखना ये कि ये जो है इसके अंदर कौन कौन सा क्रीम डालती है और कौन कौन सा न्यूट्रेला जो है या जो काम मिल्क है चॉकलेट वो डालती है। अभी जो आपने देखा कि मैं तल दिया था वो तल के भी यानी फ्रेश हो चुका है, थोड़ा ठंडा हो चुका है तो उसको डेकोरेशन भी कर दी है हम लोगों ने। और ये डाल रहे हैं उसके ऊपर ताकि वो दिखने में भी अच्छा दिखे। क्या है ये? स्प्रिंकल पाउडर, स्प्रिंकल है, स्प्रिंकल भी कर दिए उसके ऊपर और ये अच्छा दिख रहा है और हम लोग इसका रिव्यू भी करेंगे तो वीडियो पर अंत तक बने रहे। और आपने देखा मैंने डोनट का बेकिंग का वीडियो बनाया तो बन के तैयार हो गया। बनने के बाद कोशिश कर रहे तो ब्राउन चॉकलेट है वो डार्क चॉकलेट है और जो वाइट चॉकलेट है मिल्क चॉकलेट, तो आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो। वो थोड़ी फॉर्म में आता है उसको पिघला के गर्म करके पिघला दिया गया और इस फॉर्म में लाया गया। तो मैं खा के देखता हूँ बिना मिल के खाने में कैसा लगता है। आप देख सकते हो मैंने दोनों ही चॉकलेट मैंने इसमें लिया है, मेरे राइट हैंड से होता नहीं इसलिए लेफ्ट हैंड से ही मैं जो है वीडियो में बनाता हूँ। ये बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल ये मालूम नहीं पड़ा है कि आपने होटल से मंगाया है घर पे, आपने बाहर से मंगाया है घर पे। मैं तो एक और बाइट लेना चाहूँगा इसकी, दिखते हो आप एक और बाइट ले रहा हूँ। बहुत अच्छा है, आपको मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ आपकी घर पर बनाइए। मैंने पूरी वीडियो बना दिया कि किस तरह से बनाया जाए, किस तरह से इसकी मेकिंग है, पूरी वीडियो बनाए। आप भी अपने घर पर ट्राई कीजिए, कल के कल ही ट्राई कीजिए और जो चैनल का सब्सक्राइब नहीं करें सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। धन्यवाद। और मैंने पानी इसलिए रखा कि मैं टेस्ट जो है उसका चल रहा है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें सब्सक्राइब। ये देख सकते हो आपके डोनट हम लोग ने यहाँ पे शेप दे दिया है उसको, यानी एक डोनट जैसा ही शेप दिया है। और यहाँ पे तेल गर्म होने के लिए तेल डालने वाले और डोनट भी उसके अंदर डाल देंगे तेल के अंदर और देखेंगे कैसा बनता है।